आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश सराहना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। सर्टनली दिस इज अ डिस्टार्टली एक्ट and done out of desperation. There is no second opinion about it. As rightly the Honorable Prime Minister has said, the Honorable Home Minister has said, this is not going to be spared. Nobody is going to be spared. Those who have done this, those who have perpetrated, those who have supported it. But at the same time, I find this as an opportunity through you to also call to question those who, while living in India, while calling themselves or describing themselves as mainstream politicians in Kashmir, tend to be apologetic about all these terror activities sponsored from across the Indian soil. And I have no hesitation to say that just as there should be no more leverage or no more leniency as far as seeking revenge for this act is concerned,